नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। आपको बता दें कि नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस देश की सभी छोटी बड़ी पार्टियों को एक होने का आह्वान करके सबको एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करते हुए आम इंसान की उन्नति के कार्य में एक होने के लिए कार्यक्रम रख रही है, जो कि एक महा संग्राम से कम नहीं है। इंडिया में हो रहे लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस डॉक्टर अवधेश पांडे जी द्वारा केसरबाग प्रेस क्लब लखनऊ में इस एकजुटता कार्यक्रम को घोषित किया गया। नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस NPA के डॉक्टर अवधेश पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपने मुद्दे मीडिया के सामने साझा किए। कार्यक्रम संयोजक इंडिया जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश पांडे ने कहा कि NPA के साथ आज करीब 50 पार्टियां और दलों का साथ है। आज जो देश में सत्ताधारी सरकारों द्वारा देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है और देश में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते जातिवाद को बढ़ावा देने का कार्य देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसलिए देश की बड़ी सभी पार्टियां कर रही हैं।